नमस्कार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने भोपाल में 31 जुलाई तक हर रविवार को कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। यानी सभी बाजार, कार्यालय, प्रस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि दूध पार्लर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, इमरजेंसी सर्विस से जुड़ा परिवहन, रात में बाहर से आने वाले लोगों पर ये आदेश लागू नहीं होगा। सिर्फ लोगों के बजाय बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में गुजरात राज्य के दाहोद जिले में आने जाने से संक्रमण बढ़ रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि अब कोई भी बिना स्क्रीनिंग के जिले की सीमा से न आएगा और न ही बिना बताए जाएगा। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा में शुक्रवार को एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट देश को समर्पित किया। मोदी ने कहा, अभी तक का व्हाइट टाइगर के नाम से पहचाना जाने वाला रीवा का अब विश्व में सोलर प्लांट के लिए भी जाना जाएगा। आने वाले समय में भारत दुनिया में क्लीन एनर्जी का मॉडल बनेगा। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी मैन ऑफ द आइडियाज है। रीवा का ये प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा के क्षेत्र में गेम चेंजर होगा। ये प्लांट 2.97 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली दे रहा है। 750 मेगावाट की है ये संयंत्र परियोजना। 4000 करोड़ रुपए पूरे प्रोजेक्ट की लागत, 2 करोड़ से ज्यादा 1/2 के पैनल लगे हैं। 1590 हेक्टेयर में फैला है पूरा प्रोजेक्ट। 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को मिलेगी। 76% बिजली का उपयोग मध्य प्रदेश करेगा। एशिया के इस सबसे बड़े प्लांट की 3 इकाइयों से 750 मेगावाट बिजली बनेगी। प्लांट शुरू हो चुका है और अब 2.60 करोड़ पेड़ों के बराबर कार्बन उत्सर्जन बचाएगा। नौरा देही अभयारण्य में मछली का शिकार करने गए झोला छाप डॉक्टर पंकज विश्वास व उनके साथी को सर्रा रेंजर तिलक सिंह रायपुरिया ने शुक्रवार को पकड़ लिया। डॉक्टर को छुड़वाने जावेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने रेंजर को फोन किया तो दोनों में बहस हो गई। इसका वीडियो वायरल हुआ है। रेंजर ने DFO नवीन गर्ग और तेंदुखेड़ा SDOP को शिकायत की है। SDOP ने कहा है कि वरिष्ठ अफसरों को सूचना दे दी है, कार्रवाई सही है। रंजन ने बताया कि इससे पहले भी विधायक 2 बार अन्य आरोपियों को छुड़वाने के लिए फोन कर चुके हैं। वहीं विधायक ने कहा कि रंजन को सस्पेंड कराने के लिए मुख्यमंत्री से सिफारिश करूंगा। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े विभागों के लिए अड़ने के बाद अब सियासी सामंजस्य बनने के संकेत हैं। उनकी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से बात हो गई है। सिंधिया से जुड़े कारोबारियों की माने तो शनिवार को विभागों का बंटवारा हो सकता है। इस बीच देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत की CM हाउस में बैठक हुई। दिल्ली में सिंधिया के सामने के बाद विभागों का बंटवारों के लिए प्रदेश नेतृत्व को अधिकृत कर दिया गया है। काउंसलिंग फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए। इस साल इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा 10वीं में 99.33% और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट कक्षा 12वीं में 96.84% स्टूडेंट सफल हुए हैं। भोपाल में इस बार 10वीं में द संस्कार वैली स्कूल की सृष्टि दुग्गल ने 99% अंकों के साथ टॉप किया है। 12वीं में ह्यूमैनिटीज में बिलोंग की काशवी चतुर्वेदी 98.5% अंकों के साथ प्रथम स्थान पर आई है। दूसरे स्थान पर 98.2% अंकों के साथ TSBS की अमृता संधू रही। कन्फर्म में TSBS के साहिल मेहता ने 98% के साथ। साइंस में बिलोंग के राघव त्रिपाठी ने 98% अंकों के साथ टॉप किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना पथ व्यवसायियों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के सभी 378 नगरीय निकायों में लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त फेसबुक लाइव प्रसारण भी होगा।
पथ व्यवसायियों को 10,000 रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक 14,525 पथ व्यवसायियों को 14,52,50,000 रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। पंजीकृत व्यवसायियों के आवेदनों के सत्यापन के बाद सभी पत्रों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। 1 जून से अनलॉक हुए शहर में पहली बार कोरोना मरीजों की संख्या 89 तक पहुंच गई है। पिछले करीब 1.5 महीने में इतनी बड़ी तादाद में मरीज सामने नहीं आए, हालांकि इससे पहले 6 जुलाई को भी 78 मरीज सामने आए। अब जितने भी मरीज आ रहे हैं उनमें ज्यादातर नए इलाके या शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों से मिल रहे हैं। शुक्रवार को जारी हुआ मेडिकल कॉलेज बुलेटिन के अनुसार 1759 सैंपल की जांच में 1652 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 3 मरीज की मौत भी हुई है। इसके साथ ही शहर में मरीजों का आंकड़ा 5176 पर पहुंच गया है। मृतकों की संख्या 261 हो गई है। 24 मार्च से अब तक 10,702 सैंपल की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। इधर इसे लेकर रविवार को होने जा रहे टोटल लॉकडाउन के दौरान शहर में सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि सिर्फ दूध बांटने के लिए सुबह 6 से 10 बजे के बीच छूट मिलेगी और अखबार के हॉकर्स को पूर्ण रियायत रहेगी, वो बिना किसी रोक टोक के अखबार का वितरण कर सकेंगे। इसके अलावा दवाई की दुकानों को छूट रहेगी। बाकी जितनी भी दुकान, बाजार और उद्योग धंधों को रविवार के दिन अलग से रियायत दी गई थी वो भी निरस्त कर दी है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा, कोई बाहर नहीं घूमेगा। शुक्रवार शाम सोशल मीडिया पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के वीडियो से हड़कंप मच गया। वीडियो में सिलावट ये कहते हुए दिख रहे हैं कि देश के पीएम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीएम ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। ये बात उन्होंने मीडिया से बातचीत में कही। दरअसल उनसे विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सवाल पूछा गया था। हालांकि बाद में सिलावट ने स्पष्टीकरण दिया कि बयान के शब्दों के आगे पीछे होने से कांग्रेस के साजिश के तहत इसे वायरल किया गया। ये तीनों नेता सम्माननीय हैं। वीडियो एडिट कर चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के कर्ज माफी को लेकर 5वां सवाल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि घोषणा के दिन तक कर्ज का माफ क्यों नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने अम्बाह की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कर्ज माफी को लेकर 5वां सवाल दागा। उन्होंने पूछा कि जब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्ज माफी का वादा मंदसौर में 6 जून 2018 को किया था, तो कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च 2018 क्यों रखी। उन्होंने कहा कि किसानों से वादा करते हुए कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों का कालातीत और चालू कर्जा माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने कर्ज माफी को सिर्फ अल्पकालीन फसली ऋण तक सीमित कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से असत्य बोला है, धोखा किया है। मेगा आर्ट।